सरजमीन हिंदुस्तान, न जाने कितने औलिया कलंदरों को अपने दामन में समेटे हुई है। इन्हीं में उत्तर प्रदेश का सूबा, जिसमें एक शहर कचौचा मुकद्दसा है, और यहाँ पर हज़रत गौसुल आलम महबूब यजदानी, मखदूब सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना कई सदियों से मलजाए खलाइक बना हुआ है। अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह वो नाम है जो सदियों से हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंज रहा है। ये दरबार है सुल्तान समनान का, जिन्होंने तख्त ताज छोड़कर राह सुकून व तरीक़त इख्तियार की। ये बारगाह है उस आलम बावर की, जिन्होंने अपने इल्म व अमल की रोशनी से लाखों दिलों को जगमगाया और दिमागों को मुनव्वर किया। ये दरगाह उस सूफी बासफ़ा की, जिन्होंने अपने इनकलाबी ख्यालात और अंदाज़ फ़िक्र से फ़लसफ़े तसव्वुफ़ को नई बुलंदियाँ अता कीं। यह आस्ताना है उस फ़कीर बादशाह का, जहाँ मांगने वालों की झोलियाँ मुरादों से भर जाती हैं। ये वो दरबार है जहाँ आकर इंसान अपना दर्द गम भूल जाता है। ये वो खानका रूह आबाद है, जिसके दरोबाम से सुकून कल्ब की बारिश बरसती है। उन जैसा और कौन है हिंदुस्तान में, अशरफ पिया की धूम है सारे जहां में। गौसुल आलम करम कीजिए, गौसुल आलम करम कीजिए, मखदूम अशरफ करम कीजिए, दूर हम सब का गम कीजिए, दूर हम सब का गम कीजिए, मखदूम अशरफ करम कीजिए, मखदूम अशरफ करम कीजिए। आकाए रूहानी हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 14 वास्तों से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह समनान के थे। ये ईरान का एक तारीखी शहर है, जहां आप रहमतुल्लाह अलैह के आबा अजदाद हुक्मरान थे। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह इसी शाही ख़ानदान के चश्म चिराग हुए। आपके वालिद माजिद हज़रत सुल्तान सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह थे। आप मुत्तकी व परहेज़गार, इल्म दोस्ती और इल्म परवरी में बेनज़ीर तस्लीम किए जाते। आपकी शरीक हयात फ़कीर मनश खातून आबिदा जाहिदा और मुत्तकिया सैयदा खतीजा बेगम, ऐसे नेक खसलत बाप के सुलब से और ऐसी नेक सीरत माँ के बतन से हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आपकी विलादत बासआदत सन 708 हिजरी में हुई। जैसा कि तारीख से पता चलता है कि वहाँ के बादशाह थे, और मखदूम साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको औलाद नरीना नहीं थी बादशाह को, यानी उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहिम और उनकी वालदा का नाम हज़रत खदीजा रहमतुल्लाह ताला अलैहा था। बादशाह को कोई औलाद नहीं थी, जिसकी उन्हें बड़ी फिक्र थी कि हमारे बाद हमारी गद्दी का कौन मालिक होगा। ये एक ऐसा मसला था जो दरपेश था। आपके वालिद बहुत पाए के बुज़ुर्ग भी थे, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर और बातिन दोनों रोशन कर रखा था, लेकिन औलाद की दौलत से महरूम थे। बादशाह फजर की नमाज से फारिग हुए थे। नमाज से फरागत के बाद महल सरा में बैठे हुए थे। तमाम पाबंदियों के बावजूद अचानक देखते हैं कि आवाज़ आ रही है, ख़बरदार की आवाज़ कर रहे हैं, ख़बरदार होशियार, और कि जब आमद के बारे में कि मैं मुजदा सुनाने के लिए आया हूँ, कि मैं तुम्हें अब औलाद का मुजदा सुनाने आया हूँ कि तुम्हारे एक औलाद होगी
जिसका नाम अशरफ होगा, जिसका फैज़ ता क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी फैज़ जारी व सारी है। आपकी बशारत के बाद आपकी वालदा माजिदा हज़रत खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा ने ख्वाब में देखा कि मेरे आका सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बशारत दी कि तुम्हें एक औलाद होगी जिसका नाम अशरफ रखना, और उसकी तमाम तरबियत की जिम्मेदारी भी आप ही को तुम ही को सौंपी जाती है। नतीजा हुआ कुछ दिनों के बाद हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। बचपन ही में हज़रत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह से हकजुई और खुदा तरसी की निशानियां जाहिर होने लगीं, और आप रहमतुल्लाह अलैह उलूम तरीक़त की तरफ माइल नज़र आने लगे, राह मारिफत की कशिश बढ़ती गई। आपकी परवरिश पर ध्यान दिया गया। 4 साल की उम्र ही में आपने सातों किरत के साथ कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। हिफ्ज के बाद फिर आपने इल्म माकूलात मनकूलात में भी बहुत अच्छा कामयाबी हासिल की। बकौल मौरखीन के कि आप अपने दौर यानी इल्म के मामले में भी अब अपने दौर में आपका हम असर नहीं था। अल्लाह ने बेइंतहा इल्म की दौलत से माला माल फरमाया था। हाफिज़ और हज़रत अलाउद्दौला समनानी की भी तरबियत भी आपको नसीब हुई थी। आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद 15 बरस की उम्र में हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह समनान के तख्त हुकूमत पर जलवा अफरोज हुए। अमूर सल्तनत अंजाम देने के साथ साथ आपने रूहानी रियाजत भी जारी रखी। इस तरह दिल में इश्क हकीकी की आग रोज़ बरोज बढ़ती चली गई। कमोबेश आपने 10 साल तक हुकूमत संभाली। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी क़द्दस सिरहुल अज़ीज़ की ज़ात मुबारक को अगर आप मुताला करें तो उनकी खिदमात के हवाले से आपको पता चलेगा कि जब वो बादशाह थे तो बादशाह होने की हालत के अंदर आपने निज़ाम अदल को कायम फरमाया। आपके बादशाह होने की हालत में पूरी सल्तनत पूरी रियाया जो है अमन सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी। आपने शरीयत के कानून को नाफिस फरमाया और लोग शरीयत पसंद बन गए थे। ये आपकी सबसे बड़ी खिदमत रही। और जब आप देखें तो दुनिया के अंदर सल्तनत तर्क करने वाले अल्लाह के 2 बरगुजीदा बंदे गुजरे हैं, जिसमें एक का नाम हज़रत सैयदना इब्राहिम इब्ने अधम का नाम आता है और एक का नाम हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी क़द्दस सिरहुल अज़ीज़ की ज़ात मुबारक है। आप देखें कि आज के दौर के अंदर इंसान दीन को दुनिया बनाकर चलते हैं, मगर इंसान को चाहिए कि जब इंसान को कुछ बनाना ही है तो दुनिया को दीन बनाना चाहिए। दुनिया को दीन बनाना चाहिए, ये नहीं कि दीन को दुनिया बनाकर चलना चाहिए। आज के दौर के अंदर इंसान दीन को दुनिया बनाकर चलते हैं, मगर हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी क़द्दस सिरहुल अज़ीज़ दुनिया को दीन बनाकर चलते थे। तो कई लोग जो है तौबा व इस्तिग़फ़ार करके इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए और साथ ही साथ इस्लाम के कानून को सही तौर पर पहचानने की मुकम्मल कोशिश की। और एक दिन जब आप एतकाफ में थे तो आपको ये बशारत हासिल हुई। ऐ अशरफ, हिजाब तख्त ताज को दूर कर दो, लज्जत विसाल इलाही के लिए तैयार हो जाओ। तजल्लियात बारी तुम्हें अपने जेर साया लेने वाली है। हुकूमत और बादशाही को छोड़ दो, मुल्क हिंद में रूहानी दुनिया के सुल्तान शेख अलाउद्दीन हक गंज नबात रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारी मुंतजिर हैं। सुबह होते ही इस मर्द कामिल ने ताज तख्त अपने भाई सैयद आरफ के सुपुर्द किया, गोया तर्क सल्तनत का ऐलान किया और वालिदा माजदा से सफर रुखसत की इजाजत चाही। वली कामिल हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी की तलाश में आपने मुल्क को छोड़ देते हैं और वो उस वक्त
मुल्क हिंदुस्तान के सूबे बंगाल की खाड़ी पंडवा शरीफ में मौजूद थे हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अनु के औलाद में से हैं और हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाही ताला अलैह के पीर मुर्शिद हैं। महीनों समनान का ये बादशाह जंगलों पहाड़ों और नाकाबिले गुजर रास्तों का सफ़र तय करते रहे। पीर मुर्शिद की खुशबुए रूहानी के सहारे चलते चलते दिल्ली होते हुए आप पंडवा पहुँचे जहाँ शेख अलाउद्दीन हक रहमतुल्लाह अलैह आपके मुंतजिर थे। कहा जाता है कि शेख अलाउद्दीन हक रहमतुल्लाह अलैह खुद सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के इस्तकबाल के लिए हुजरे खास से बाहर तशरीफ लाए। एक तरफ अपने वक्त के कुतुब शेख अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दूसरी तरफ सुल्तान समनान के तख्त ताज को ठुकराने वाले सुल्तान मखदूम, दोनों की जब नज़रें टकराईं, जज्ब व कैफियत की आग भड़की और हज़रत सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह दौड़कर अपने शेख की कदम बोसी के लिए बढ़े। हज़रत शेख अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बहुत मोहब्बत से उठाकर सीने से लगाया और फरमाने लगे, तुम्हारे आने से पहले हज़रत खजर अलैहिस्सलाम ने 70 मरतबा मुझसे तुम्हारी आमद का जिक्र करके फरमाया है, वो अल्लाह की एक अमानत है जो तुम्हें सुपुर्द की गई है। शेख अलाउद्दीन हक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयद अशरफ को जहाँ ने इरफान व तरीक़त के असरार व रमूज़ से आगाह किया, 12 साल पीर मुर्शिद की खिदमत की, यहाँ तक कि आप मकाम गौसियत और महबूबियत पर फाइज हुए और जब आप रूहानी सिफात से सज संवर चुके तो शेख रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, ऐ फर्जंद अशरफ, मैंने तुम्हें भरपूर तालीम से आरास्ता कर दिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे लिए कोई मकाम तजवीज़ किया जाए ताकि अहले ज़माना तुम्हारी तालीमात से फैज़ अंदोज़ हो। इसी दौरान शेख अलाउद्दीन हक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयद अशरफ को जहांगीर खिताब से भी नवाजा। हज़रत सैयद मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को यज़दानी का लक़ब भी हासिल हुआ। एक मरतबा इबादत में मसरूफ़ थे तो कहते हैं कि दरो दीवार से जहांगीर का खिताब की आवाज़ आने लगी। आपके पीर ने कहा कि आपको मुबारक हो, आपके कदमों के तले ये दुनिया रहेगी, आप दुनिया पर काबिज रहेंगे। ये लक़ब अल्लाह की तरफ से अता हुआ जहांगीर का। इस दुनिया में तीन महबूब हैं, एक का नाम हज़रत महबूब सुबहानी यानी हुजूर गौस पाक, दूसरे महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम पाक, तीसरे महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का लक़ब महबूब इलाही। इस दुनिया में तीन महबूब हैं, हज़रत गौस पाक, हज़रत मखदूम पाक, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अपने पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए सन 742 में सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह पंडवा शरीफ से सफ़र के लिए रुखसत हुए और रूह आबाद यानी कचौचा शरीफ को अपने मुबारक कदम से जीनत बख्शी और यहीं पर खानकाह निज़ाम कायम फरमाया। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लक़ब के अंदर एक लक़ब पाया जाता है गौस, गौसुल आलम। गौस वो होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद में से होता है और उसे ही गौस कहा जाता है। और गौस को अल्लाह तबारक व ताला सेलेक्ट करता है, ये विलायत का एक अजीम तरीन मरतबा है और अपने वक्त के बेहतरीन ये गौस हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी क़द्दस सिर्रहुल अज़ीज़ हैं। उनकी गौसियत का ऐलान एक दो ने नहीं बल्कि आप देखें तो कई औलिया किराम ने उनकी गौसियत का ऐलान किया है। उसमें से अगर हम देखें तो अपने वक्त के बेहतरीन वली कामिल ख्वाजे ख्वाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान शहनशाह हिंदुस्तान हज़रत सैयदना मुईनुद्दीन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते मुबारका, गरीब नवाज़ के जो मुरीद हैं और खलीफ़ा हैं हज़रत
قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جو مرید ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو مرید ہیں وہ ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی اور حضرت محبوب نظام الدین اولیاء کے جو مرید و خلیفہ ہیں وہ حضرت اخی سراج الدین آئین ہند ہیں اور ان کے جو مرید ہیں وہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور حضرت علاء الحق پنڈوی کے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے پہلے سے فرما دیا تھا. غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں سے ایک ایسا مرید ہوگا جس کا نام سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا اور وہ اپنے وقت کا غوث ہوگا. دیکھتے دیکھتے بہت جلد اتر پردیش کے فیض آباد ضلع کے اس چھوٹے قصبے کچوچا مقدسہ کو رشد ہدایت کی راجدھانی تصور کیا جانے لگا. زائرین کی جھولیاں بھرنے لگیں, دل کی مرادیں پوری ہونے لگیں. یہاں مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں بھی رونما ہوئیں. یوں تو مخدوم صاحب کرامات کے قائل نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ بزرگی خود کرامت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس پر میری ایک کتاب ہے کرامات محبوب یزدانی, جس میں میں نے مخدوم سمنہ کی کرامات کا ذکر کیا ہے. پہلی کرامت تو یہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اکبر پور, موجودہ اکبر پور کے قریب ایک موضع سے جھولی ہے جو آج بھی وہاں پر مسجد مخدوم سمنانی موجود ہے. وہاں ایک موضع سجھولی تھا جو آج ویران ہے, اور میں اس سلسلے میں تحقیق کے لیے گیا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ لوگ ہٹ گئے ہیں, وہاں کی آبادی ختم ہو چکی ہے اور وہاں سے ہٹ کر لوگ آباد ہوئے ہیں. لیکن آج بھی, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, میں نے اس سلسلے میں معلومات کی تھی لوگوں سے, انہوں نے بتایا آج بھی لوگوں کی عمریں جو وہاں پر ہیں کم ہیں. کہا جاتا ہے کہ مخدوم صاحب وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. سجھولی میں جمعہ کی نماز کے لیے گئے ہوئے تھے تو دیکھا کہ چند بچے جو ہیں وہ ایک لڑکے کو اس پر لکڑی پر لٹا کے یا چرپائی پر لٹا کے لے آئے, اس پر چادر ڈھاکی ہوئی تھی, اور یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی اگر جب یہ مرا نہیں ہے بلکہ بابا کو چھیڑنے کے لیے یا ان کا امتحان لینے کے لیے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے جب یہ نماز پڑھا دیں گے تو لڑکا اٹھ کے بھاگے گا, پھر ہم لوگ مذاق کریں گے. خیر, یہ کہنے کے لیے جو ہے وہاں پر ایک لڑکے کو چند بچے لے کے لٹا کر چارپائی پائے کہ بابا جی یہ مر چکا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا جائے. آپ نے کہا کہ بیٹے, فقیروں سے مذاق نہیں کیا جاتا, ہم لوگ فقیر ہیں, ہم لوگوں کو تنگ نہ کرو, لے جاؤ, تم لوگ بچے ہو, جاؤ اپنا جہاں کھیل رہے تھے کھیلو. بچے نہیں مانے, آپ نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ جاؤ نماز جنازہ پڑھا دو. اور جب نماز جنازہ ہو چکی تو آپ کی زبان سے یہی نکلا کہ لگتا ہے سجھولی میں لوگ جوان ہی مر جایا کریں گے. پھر جب اس کی چادر ہٹا کے لڑکے مذاق کرنا چاہا تو دیکھا لڑکے کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ آج بھی حقیقت ہے, آج بھی وہاں جو مخدوم صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھے من و ان حقیقت ہیں, اور وہاں ایسا ہوا ہے, وہاں کی تاریخ گواہ ہے, وہاں لوگ بتاتے بھی ہیں, میں نے اس کی تحقیق بھی کی. بلا شبہ آج بھی خانواد اشرفیہ کا مسکن یہی کچوچا شریف ہے. سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا ایک بے نظیر و بے مثال سلسلہ آج بھی رواں دواں ہے, اور بلا شبہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا.
सन 808 हिजरी मुहर्रम शरीफ की वो 28वीं तारीख थी जब जुहर की नमाज अदा फरमाकर अशरफ मखदूम जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह आलम पनाह में रौनक अफरोज हुए। सिमनान का ये सुल्तान, दुनियाए रूहानियत का ये आफ्ताब, विलायत व हिदायत के आसमान पर एक नूर बनकर चमका और देखते ही देखते चश्मे आलम से रूपोश हो गया और अपने खालिक कायनात से जा मिली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ को दिल के अंदर बसाता है अल्लाह उन्हें दो जन्नत अता करता है। हज़रत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल के अंदर खौफ खुदावंदी, खशियत रब्बानी इस तौर पर मौजज़न थी कि अपने सल्तनत को भी उन्होंने ठोकर मार दी और अल्लाह तबारक व ताला के खौफ से उन्होंने हर कुछ छोड़ दिया, दुनिया को अपने दिल से निकाल दिया। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो उसे गरीब कहा जाता है और अगर वही दुनिया किसी इंसान के दिल से निकल जाए तो वो वली बन जाता है। तो हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी क़द्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की मकबूलियत की वजह ये भी हुई कि आपने दुनिया को सिर्फ हाथ से नहीं निकाला बल्कि दुनिया और दुनिया की दौलत को अपने दिल से भी निकाल दिया, जिसकी वजह से आप गरीब नहीं बल्कि सबसे अमीर और साथ ही साथ वली कामिल बन गए। और साथ ही साथ ये भी देखें कि मोमिन की निशानियों में से एक निशानी यह होती है कि शरीयत पर इस्तेकामत और गुनाहों पर नदामत मोमिन की सबसे बड़ी आला शान होती है। हज़रत मखदूम सिमनानी क़द्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए कि जिनके उनके ऊपर तरह तरह की दिक्कतें आईं, मगर हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी क़द्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने किसी की परवाह नहीं की और हमेशा शरीयत पर इस्तेकामत रहे। इस्तेकामत फिद्दीन उनका ख़ास तरीक़ेकार रहा और अपने आप को अल्लाह की बारगाह में इस तौर पर हमेशा पेश करते कि कुतुब सीरत में लिखा जाता है, उनके हवाले से लिखा जाता है कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी इतना इस्तिग़फ़ार करते थे कि इस्तिग़फ़ार करते करते वो बेहोश हो जाते थे। यहाँ की नील का पानी शिफा है, सिद्क दिल से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसमें रहमत बरकत होती है। ये आज भी वो ऐसा शफाखाना है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जहाँ मुर्दे ज़िंदा होते हैं, बीमार शफा पाते हैं, मबरूस या कोढ़ के मरीज़ जो हैं या जुजाम के मरीज़ जो हैं वहाँ से शफा की लेकर अपने घरों को जाते हैं। हज़रत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबारुल अखियार में लिखा है कि नीर का पानी जिन्नात और आसेब के लिए तिरयाक है। आज भी उस नीर के पानी में जो नहाता है उसे शफा मिलती है। कई हज़ार टन पानी या लीटर पानी रोज़ाना लोग ले जाते हैं। अब पेट में दर्द हुई, पानी पिया ठीक हो गई, सर में दर्द हुई पिया ठीक हो गई, जिन्नात या भूत का असर हुआ उसमें पिला दिया ठीक है। वो आज भी फैज़ का दरिया है। हज़रत ग़ौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने आलिया आज भी मलजाए खलाक है। न जाने कितने औलिया अल्लाह ने इस सरजमीन को अपने लिए रुश्द हिदायत का मरकज तसव्वुर किया। इस सरजमीन पाक में न जाने कितने शहदा, कितने उलमा, कितने औलिया और कितने कलंदर आसूदे खाक हैं। हज़रत मखदूम का उर्स पाक हर साल किचौचा शरीफ में 25 से 28 मुहर्रमुल हराम को बड़े तज़्को एहतिशाम से मनाया जाता है। मुल्क और बैरून मुल्क के हज़ारों ज़ायरीन बला तफरीक मिल्लत उर्स की तकरीबात में शिरकत करते हैं। आखिर में मैं नाज़रीन के साथ नाज़रीन से ये बात को शेयर करना चाहता हूँ कि हज़रत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी क़द्दस सिर्रहुल अज़ीज़ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और बरगुज़ीदा बंदों से जो चीज़ निस्बत हो जाती है वो चीज़ बरकत वाली हो जाती है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी क़द्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की ज़ात मुबारक से जिसको निस्बत हुई, जिस चीज़ को निस्बत हुई, जिस ज़मीन को निस्बत हुई वो बरकत वाली हो गई। चुनांचे मशहूर है कि आप
आपके मज़ार मुबारक के पास जो नीर शरीफ है वो भी शिफा देता हुआ नज़र आता है। जो शहर है किचोचा मुकद्दसा को भी आप ही की वजह से शोहरियत मिली। किचोचा मुकद्दसा से अब क्या मिलता है आप ये भी देख लें कि जहाँ बुजुर्गान दीन हो वहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे फैज़ान मिलते हैं। किचोचा से हमें दीन मिलता है, किचोचा से हमें फैज़ान मिलता है, किचोचा से हमें इश्क मुस्तफ़ा मिलता है, किचोचा से हमें तालीम कुरान मिलता है, किचोचा से हमें तालीम हदीस मिलती है और किचोचा से हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। और किचोचा के हवाले से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी क़द्दस सिर्रुल अज़ीज़ की ज़ात मुबारक की बरकत से हमें खुदा भी मिलता है। बिलाशुबा यहाँ पर आने वाला अपने दामन आरज़ू को बारगाह अशरफ में कुशादा करता है और गौहरे मुराद से अपनी खाली झोलियों को भरता है। अदालत जहांगीर के रूहानी इंसाफ व करम की बारिश हर एक को अपने फैज़ से सैराब कर देती है। क्या सलातीन व उमरा, क्या गदा व फ़ुक़रा दर अशरफ की दरबानी को अपने लिए दीन व दुनिया की बरकत के हुसूल का ज़रिया समझते हैं। ऐ अशरफ ज़माना, ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता कलीद करम कुशा, अयशरफ़े नहंग दरिया, दरिया बसी नदारद, दुश्मन हमेशा पुरगम, वाज़िक्र दोस्त दोस्त दारद। नहीं दूर कर न मुझको मेरे आका संग दर से, नहीं दूर कर न मुझको मेरे आका संग दर से, सिवा तेरे दर के मेरा, सिवा तेरे दर के मेरा नहीं कोई भी ठिकाना, मैं बुरा हूँ या भला मेरी लाज तुम निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तुम निभाना। मुझे इसका गम नहीं है जो खिलाफ है जमाना, मुझे इसका गम नहीं है जो खिलाफ है जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, मुझे तुम यूं ही निभाना, मैं बुरा हूँ या भला मेरी लाज तुम निभाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तुम निभाना।